आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगी और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चे का भी ख्याल रख रही होंगी। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि मैम हमारा बच्चा 6 मंथ से बड़ा है लेकिन बच्चे का जो वजन है वो इसकी एज के अकॉर्डिंग कम है और बच्चा जो कुछ खाता है वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे कौन सा सॉलिड फूड दें। तो आज के इस वीडियो में आपको बच्चे को देखिए जो नवजात शिशु होते हैं ना उन्हें फूड देने का जो तरीका होता है, यानी कि बच्चे अचानक से या तो फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से सॉलिड फूड पर आप ले आती हैं और ऐसे में क्या होता है कुछ बच्चे आसानी से ले लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों के लिए हमें तरह तरह के तरीके अपनाने होते हैं। उन तरीकों को अपनाने का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह से उसे खिलाएंगी, और दूसरी बात ये होती है कि जो फूड आप दे रही हैं उसे देने का भी तरीका होता है, क्योंकि फूड आपने यूं ही दे दिया, किस तरह का फूड दिया, ये सब बातें मायने रखती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके। वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगी या भगा करके देखेंगी तो फूड को देने का पूरी तरह से जो जानकारी है वो आप नहीं समझ पाएंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ इतनी सी पसंद आ जाना तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जो बच्चे 6 मंथ से बड़े हो चुके हैं उन्हीं के विषय में बताने जा रही हूँ। जो बच्चे छोटे हैं, नवजात शिशु हैं, उन्हें आप कोई भी सॉलिड फूड न दें, लेकिन अगर आपका बच्चा खाने में इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि है उसकी, तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं बनाना के विषय बताने जा रही हूँ। जो केला होता है ये डाइजेस्ट करने में सबसे अच्छा फूड माना जाता है और सबसे पहले यही फूड बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि नेचुरली जो केला होता है वो थोड़ा स्वीट होता है लेकिन कुछ बच्चों को स्वीट नहीं पसंद होता है, इसकी वजह से केला जो है उन्हें नहीं पसंद आता है। तो ऐसे में आपको तरीके अपनाने हैं। तरीका क्या होगा, देखिए अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क देती हैं तो यहाँ पर मैं सिर्फ तरीके बता रही हूँ, यानी कि फूड देने का तरीका जो है वो, लेकिन फूड किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से आपको उसकी प्यूरी तैयार करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जो बनाना होता है वो स्वीट तो होता है, कुछ बच्चे इसे आसानी से उसकी प्यूरी जब आप बना करके देती हैं तो खा लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे उसे नहीं खाते हैं। तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है, अगर आपका बच्चा आपका अब तक ब्रेस्ट फीडिंग करता आया है तो थोड़ा सा 1 स्पून आप अपना ब्रेस्ट मिल्क निप्पल के पास दबा करके निकालिए, और जब आप केले की प्यूरी तैयार कर लेती हैं तो आपको उस पर स्प्रिंकल कर देना है, यानी थोड़ा सा हल्का इस तरह से आप ऊपर से छिड़क दीजिए और उसके बाद में उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर बच्चे को दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की खुशबू उसमें से आती रहती है, लेकिन ये फूड देते समय भी आप इतना आसान ना समझें कि बच्चा आसानी से खा लेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खिलाने की कोशिश कर रही हैं उस समय आप अपने बच्चे को अपनी गोद में रखिए, कभी कभी थोड़ा सा आप अपना ब्रेस्ट उसे पकड़ा दीजिए, जब वो पीता रहेगा तो थोड़ा सा साइड से चम्मच से उसके मुँह में डाल दीजिए और देखिए कि बच्चा आसानी से खा लेता है। लेकिन जिसमें आप वो केले की प्यूरी बच्चे के मुंह में डालेंगे उसमें आप अपना ब्रेस्ट जो निप्पल है वो उसके मुंह में न दें और उसे खाने दें और उसे लालच दें कि तुम ये खा लो, क्योंकि तब तक हम बच्चे से थोड़ी बहुत बात तो करते ही रहते हैं, तो उसे इसे खा लो फिर मैं देती हूँ, फिर मैं पिलाती हूँ, थोड़ा सा इसे खा लो फिर मैं तुमको पिलाती हूँ। इस तरह से कर करके आप बच्चे को वो केले की प्यूरी जो है स्टार्टिंग में देना शुरू करिए। और देखिए केला जो होता है वो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड माना जाता है, ये पाचन क्रिया को मजबूत भी करता है और जो कुछ भी बच्चे के पेट में रहता है उसे पचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए सबसे पहला फूड जो आप देंगी वो केला ही देंगी। जब बच्चा अच्छी तरह से केला खाने लगेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा, तब आप दूसरे फूड पर स्विच करिए। अच्छा, ये तो हो गया मतलब देने का तरीका। अगर आप फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो आपको फॉर्मूला मिल्क का ये देखना है आपको कि क्या फॉर्मूला मिल्क के साथ आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी देती हैं।
आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा पसंद है या फॉर्मूला मिल्क पसंद है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं लेकिन साथ में मदर का ब्रेस्ट मिल्क भी लेते हैं, और वो मदर मजबूरी में फॉर्मूला मिल्क देती हैं, लेकिन बच्चा ज़्यादातर मदर का ब्रेस्ट मिल्क ही लेना चाहता है, लेकिन मदर का ब्रेस्ट मिल्क कम है इसकी वजह से उन्हें मजबूरी में फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो देखिए, बच्चे को ज़्यादा पसंद कौन सा दूध है? आपका दूध है, तो आपको अपने ही दूध का उस पर स्प्रिंकल करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फार्मूला मिल्क ज़्यादा पसंद होता है, तो आप फार्मूला मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा तैयार करिए, और बच्चे के जो फूड है यानी कि जो बनाना की प्यूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ बनाना प्यूरी के विषय में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो फार्मूला मिल्क है अगर बच्चे को वो पसंद है तो आप उसको स्प्रिंकल करके उसे खिलाइए। अब बात कर लेते हैं कि केला कैसा देना है। देखिए, कभी भी केला आपको दोपहर के टाइम में देना है, शाम के टाइम में नहीं देना है, एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में भी नहीं देना है। आप जो केला दे रही हैं वो एकदम से पका हुआ पीला केला होना चाहिए, नेचुरली पका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी वो केला कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अधिक पका हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम से ही पका हुआ जैसे थोड़ा काला काला हो जाता है वैसा नहीं देना है। यानी केला अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए और बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट यानी कड़क भी नहीं होना चाहिए। जब आप केले की प्यूरी बना रही हैं तो आपको केले के टुकड़े टुकड़े यानी जैसे हम आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके आपको फिर मैश करना है। क्या होता है, बहुत से लोग अखा केला ऐसे मतलब पूरा एक केला छील लेते हैं और उसे या तो पोटैटो मैशर से मैश कर देते हैं या फिर मिक्सर में डाल करके पीस देते हैं। मिक्सर में तो ज़्यादातर अच्छी तरह से मैश हो जाता है, लेकिन मैंने खुद इसको चेक किया है कि मैं टमाटर तक पीसती हूँ ना तो कभी कभी वो पूरी तरह से मैश नहीं हुआ रहता है, और मैं उसे पाव भाजी बनाने के टाइम मैंने 2-3 बार डाल दिया था, प्याज को भी मैंने किया था तो वो भी अच्छी तरह से नहीं हुआ था, बीच में ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा रह गया था। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब केले की प्यूरी बना रही हैं तो छोटे छोटे पीस में करके तब आप उसे मैश करिए। तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर आप पोटैटो मैशर का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि मिक्सर में मैंने ये धोखा खाया था कि मैंने टमाटर और प्याज जो है उसको ग्राइंड किया तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ था। जब मैंने ऊपर से दिख रहा था कि अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ है, लेकिन जब मैंने अंदर कढ़ाई में डाला तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे, और मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया था, ऐसा नहीं कि एक ही बार से घुमाया था, मैंने अच्छी तरह से उसे ग्राइंड किया था। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। क्या होता है, जब आप छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगी ना तो वो अच्छी तरह से पीस ही जाएगा यानी ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप पोटैटो मैशर करिए क्योंकि वो आपकी आँख के सामने पूरी तरह से आप अच्छी तरह से मैश कर रही हैं वो आपको दिखाई देता है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक दिन में आप जब स्टार्ट कर रही हैं तो आधे से थोड़ा सा कम यानी कि मुश्किल से 2-3 पीस ही दीजिए ताकि बच्चा उस फूड से ऊब न जाए। क्या होता है कि हम एक ही फूड उसे ठूस ठूस के खिलाते हैं ना तो बच्चे को उसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आता है, बहुत जल्दी बच्चे ऊब जाते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग में क्या करिए कि 1-2 टीस्पून ही खिलाइए, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन देखिए कि बच्चा जब आप खिलाने बैठ रही हैं तो क्या उसे अच्छा लग रहा है, वो खुद सामने से मुंह आ करके आपसे मांग रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके बच्चे को नहीं देना पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जिन बच्चों को हम ज़बरदस्ती कोई फूड देते हैं और वो अनमने मन से खाते हैं यानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो फूड इन्हें डाइजेस्ट भी नहीं होता है। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं कोई फूड ले रहा है तो उसे थोड़ा बहका फुसला करके ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपने सोच लिया कि मैम ने तो कहा था कि अनमने मन से खाते हैं बच्चे तो नहीं डाइजेस्ट होता है तो हम एकदम से खिलाना ही बंद कर दें। नहीं, आपको कोशिश करती रहनी है, और बच्चे के लिए फूड जो खिलाना है वो ज़रूरी है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद अगर आप ऐसा सोच के ले लेती हैं कि चलो बच्चे ने नहीं खाया तो ज़्यादा मेहनत कौन करेगा, मेरा ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क तो है ही, आपका ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क दोनों ही बच्चे के लिए 6 मंथ्स के बाद में प्रॉपर फूड नहीं होता है। उनकी हड्डियों में मजबूती के लिए, उनकी भूख को बढ़ाने के लिए, उनके वजन को बढ़ाने के लिए उन्हें सॉलिड फूड देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सी मम्मियों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बच्चे 2 साल 3 साल तक के हो गए हैं और अभी तक उन्होंने सॉलिड फूड नहीं दिया है और अब देना स्टार्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए हानिकारक है आपका ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क, लेकिन उतना उनको विटामिन नहीं मिल पाता है पूरी तरह से जितने की कि उनकी आवश्यकता होती है।
एज के बाद में यानी कि 6 मंथ के बाद में उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप सॉलिड फूड स्टार्ट करिए। केले के फायदे कौन कौन से होते हैं वो भी अब हम जान लेते हैं, क्योंकि ये एक बात तो होती है कि केला में हेमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को रेड ब्लड मिलता है। और इसके अलावा केला में कैल्शियम होता है, जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है। फाइबर होता है, जिससे कि उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है। और इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन बी होता है। तो इस तरह से बच्चे का वजन भी बढ़ता है, बच्चे में ब्लड भी बढ़ता है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी केले की वजह से अच्छा होता है। तो बहुत तरीके से केला जो होता है वो आपके नवजात शिशु के लिए फायदेमंद है, तो इसे ज़रूर दीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे नवजात शिशु का वजन बढ़ाने के लिए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए, उसकी भूख बढ़ाने के लिए केला किस तरह से आप दें और कितना दें, कैसा केला दें, ये जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।